बहुत मजे की बात है। एक मजे की बात ये है कि ये फिल्म करने जा रहे थे ना, तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा आप हीरोइन कौन है आपके साथ? कोई हीरोइन नहीं है, मैं विलन हूँ उसमें। मैंने कहा अच्छा, विलन के तो ज्यादा मजे होते हैं। हाँ सुने ना, उसके बाद बकरीद से पहले ऐसी मैं बैठी हुई टीवी पे ना, फिल्म को मूवी का वो ट्रेलर आ रहा, तो मैंने कहा सऊद आपकी नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, बड़े मजे से बैठे देखे। अचानक मैंने देखा सऊद साहब खड़े हुए और दो औरतें, एक बेहुदा नाच इधर हो रहा है और एक बेहुदा नाच उधर हो रहा है, और दोनों सऊद से अच्छे पकड़े, सऊद साहब क्यों खड़े बीच में। मैंने कहा आपने तो कहा था कोई हिरन नहीं है मेरे साथ। कहने लगे हाँ तो मैं बदमाश बना हुआ हूँ ना इसमें, ये तो ऐसी डांस कर रही है इधर। मैंने कहा अगली दफा हिरन ले लेना, इन डांसर से बेहतर है। मैं बता रही हूँ ना, जो वो होते थे ना क्या कहते विलन, उनके ज्यादा मजे होते थे। आप लोग मेरा बेइज्जती प्रोग्राम है, मेरी बातें हो रही है जो रोपड़ी थी, तो आपके सरोते फैन हो गए, वैसे भी हम आपके फैन थे, लेकिन फिर जिस तरीके से जवेरिया ने मोहब्बत का इजहार किया, फ्रीक्वेंटली आप में से कौन सा मोहब्बत का इजहार करता है शो में? बहुत मजा, हां बहुत ही, हां बहुत। कौन करता है बातें? दोनों दोनों ही करते हैं, लेकिन दिल की बातें ज्यादा मोहब्बत का इजहार कौन करता है? नहीं दिल की बातें तो हम लोग वैसे सारी बातें कर लेते हैं, दिल की भी। भाई इनसे कभी कह दो ना कि आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो पता क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी गुजार दी तुम्हारे साथ और किस तरह रोमांस दिखाऊं। ये क्या जस्टिफिकेशन है कि मैंने जिंदगी गुजार दी है? नहीं रोमांस देखिए, जो हमारी जिंदगी इट्स अ नेचुरल लाइफ, ठीक है, इसमें आप ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। फूल लिए, ओ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पीछे की किसी लड़की वाले से नहीं आज क्या कर रही हैं आप उसको आगे, हमारी जो लाइफ है ना ऐसी है, आमने सामने दोनों एंजॉय करते हैं, फूल तो आप लाते खुश होते हैं, केक भी काटते हैं, फूल भी लाते हैं, खाने पे भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और मतलब हम दोनों की सबसे जो मैं एंजॉय करता हूँ अपनी फैमिली को, जब हम यहाँ से जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो एक ही कमरे में होते हैं, ये भी मैं भी बच्चे भी, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो कोई टाइम नहीं आता ना, और लड़ते भी रहते हैं, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, हम भी उसको एंजॉय भी करते हैं, तो वो टाइम जो होता है मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, कि हम सब साथ होते हैं। बच्चों की सब चीजें कौन ज्यादा मानता है? मतलब जो ये आप ज्यादा मानते हैं, ये ज्यादा मानते हैं, सरेंडर कौन करता है? मेरा मेरा रोल जो है ना वो ये, जो एक मिसाल नहीं देना चाह रहा था कि मैं उसको बताऊंगा जब हालात खराब होंगे, समझ तो गई होंगी तो मेरा वो रोल है तो मुझे ये कहते हैं आपने कुछ नहीं कहना किसी को, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, यही डील करती हूँ दोनों से, तो यही जो भी करना है पेम्पर करना है, बात माननी है, सुननी है, कहना है। ऑफकोर्स जन्नत का जरा एक वो ग्रेट आप है, तो वो ज्यादा बोलते, तो अक्सर इब्राहिम भी कहता है कि आप जन्नत आप ही को ज्यादा वो करते हैं, हालांकि मेरी नज़र में दोनों बराबर हैं, लेकिन अब उसको मैं समझाता हूँ, मैं तो आप ही जो है ना वो मेहमान है बेटे, वो तो शादी करके चले जाएंगे, तू तो नहीं रहेगा मेरे साथ। हाँ। तो अक्सर वो कहता भी आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे खुद भी खुद मुझे भी टोल दे तो ऐसा होता है, लेकिन समझदार होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आज आप लोगों की जितनी प्रोडक्शन आ रही है, तो उसमें भी जन्नत और आपके बेटे का भी नाम आ रहा था, तो बच्चों को भी इतना इंटरेस्ट है जितना आप लोगों को हर चीज का, मतलब प्रोडक्शन देखते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, बताते हैं, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि ये यहाँ पे ये गलती हुई है, यहाँ पे ये हुई है, यहाँ पे ये कभी कभी और गलतियों से भरा प्रोग्राम देखते हैं। बच्चे बच्चों को शौक है, लेकिन बच्चों को कुछ दूसरे टाइप का शौक है, जैसे कि इब्राहिम जो है वो CGI और VFX पे है, और उसमें वो अपनी एक्टिंग करता है, वो अपनी वीडियोस खुद बनाता है, सब करता है, खुद स्पाइडरमैन बना हुआ उड़ रहा होता है, तो उसको वो है, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रामा से कितना मजा आता होगा ना जब आप देखते हो कि आपके बच्चे, मतलब इतनी छोटी उम्र से उनकी एक अपनी अप्रोच है, उनका एक अपना दिमाग है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं एंड दे डूइंग प्रिटी गुड इन इट, तो मतलब कितना फख्र होता होगा, क्या लगता है कि हाँ भाई लाइक अब नाउ आई कैन गो इन पीस के बच्चे मेरे जो है ना अभी से इतने समझदार। इब्राहिम का तो एक चीज बिल्कुल फोकस है कि मैंने ये करना है। जन्नत का ये है कि जन्नत जो करना चाह रही है वो मैं नहीं चाह रही कि वो करे, लेकिन और जन्नत क्या करना चाहती है? वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहती है।
उसको बहुत शौक है, वो बहुत अरसे से ना वो वैसे भी बुक्स के अलावा जब नहीं थी ना, वो तब भी पढ़ती थी साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीजें, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती है। तो फिर आप लोग क्योंकि वो पता है क्यों बनना चाहते हैं, हम दोनों को देखने के बाद कभी इलाज यहीं से शुरू करूंगी तो हम दोनों दो पेशेंट घर में हैं, दो पेशेंट हैं तो कहती है ये करूंगी। लेकिन ये कि उसका सिंगिंग बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छा गाती है। BTS जो कोरियन म्यूजिकल अम्मा अब्बा दोनों बैंड है, म्यूजिकल बैंड कोरियन, वो उसका उसी डाई हार्ड फैन है और बहुत उसको पसंद है, कोरियन गाने गाती है। अच्छा समझ अब आई एम श्योर कि इन बच्चों को कोरियन समझ में भी आने लग गई होगी। हाँ वो समझ आती है, जाहिर है वो गाती भी है पूरा वो, और आप ये समझे कि उनका एनसाइक्लोपीडिया ही है, वो सब बताएगी आपको कि ये जो सात लोग हैं वो रखे ना उधर से तस्वीर भी बनी हुई है। हाँ ये जो सात लोग हैं ये कहाँ से शुरू हुए, इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या हुआ इनके, सब कुछ पता है। वो कितना अर्न करते हैं, कितना लोगों पे वो करते हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बड़े तेज है। अगर हमें भी बच्चे ने पूछा था तो हमें बैक सीट बॉयज का सब पता होता था। एकदम ड्राइव करके जा रहे थे तो सबकी बारी आ रही थी, पहले जन्नत अपना गाना लगाती थी, फिर इब्राहिम लगाता था। जब हम दोनों कहते थे ना ये गाना लगा था, दोनों यूँ देखते थे। मैंने कि यार तुम लोग क्या हमारी बारे, खैर आप लोग गाना खत्म ही नहीं होता है, म्यूजिक चले जा रहा है, सात मिनट के गाने आपके खत्म नहीं हो रहे और इनके तीन नए सॉन्ग हैं और वो डेढ़ दो मिनट के गाने होते हैं ना। अब वो एक गाना था कबूतर जाजा लगवा दिया, वो खत्म, कबूतर ही जाके दे रहा है बाबा, कबूतर ही नहीं जा रहा, जा भगा भी रहे नहीं जा रहा, कह रहे खत्म ही नहीं हो रहा आप लोगों के गाने कबूतर। अच्छा वैसे आपको नहीं लगता ये आजकल बड़ा मसला हो गया, मैं भी व्हाट्सएप पे अब जो क्योंकि अब स्पीड भी आ गई है तो हमारा भी ना थोड़ा सा वो स्टेमिना थोड़ा कम हो गया है। मैं भी वन की स्पीड तो कोई मैसेज सुनती नहीं, मैं डेढ़ की स्पीड पे आती हूं। मैं तो दो से आगे का ना कि हां जैसे बच्चे भी जो है कि वो कहते हैं जी आपका गाना कितना लंबा है, तो अब ये क्योंकि रील्स भी इतनी छोटी आने लगी हैं तो आपको लगता है कि से बच्चों का बड़ा स्टेमिना का इशू हो जाएगा कि भाई नहीं बस आगे बस ठीक है बात खत्म करें आगे चले आगे चले। एक्चुअली ये यही है ना, फोन ही है ना ये भी। फोन में आप ये देखें कि यूं आपने एक टच किया यूं सब कुछ खुल गया। अच्छा कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है तो हमारे घर में रहना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, इंटरनेट स्लो है क्यों नहीं चल रहा कॉल करें। अच्छा वो तो स्कूल का काम भी होता है, दो चीजें होती है, लेकिन हम लोग ना उसके आदि हो गए कि हमें अब वो टॉलरेंस नहीं रही, सबर नहीं रहा कि बस हम यूं बटन दबाए और सब कुछ हो जाए एकदम से, तो वो हमारी तबीयत में भी आ गई हैं ये चीजें। अच्छा मुझे बताएं जवेरिया, आप कहती थी ना कि वो साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है लेकिन आप नहीं चाहती, आप क्या चाहती हो क्या बने? देखिए मैं ये चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत कम बोलती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ उसके मतलब कि कोई बात हो जिस पर उसको आर्ग्यू करना हो किसी भी दुनिया के किसी भी टॉपिक के ऊपर तब वो बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है लॉजिक के साथ, लेकिन वैसे वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है तो वो वैसे भी नहीं बोलती और उसके बाद ये काम भी सुनने का ही है ज़्यादातर। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि जितना पढ़ाई उसमें करनी पड़ती है आपको वो टाइम बहुत पढ़ाई में निकल जाएगा, तो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और जहाँ तक की बात है कितनी अच्छी हमारे वो चाह रही है कि वो पढ़ाई में अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें, वरना माँ बाप भी कहते हैं 7-8 साल तो इसी पढ़ाई में लग जाएंगे ना फिर स्कूल के बाद। एक हमारे एक दोस्त हैं वो बैठे हुए जन्नत इब्राहिम से बातें कर रहे थे, जन्नत ने कहा मैंने ये करना है, मैंने ग्रेजुएशन करनी है, मैंने फलां करना है, इब्राहिम ने कहा, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ने जो पढ़ना है पढ़ते रहो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपने भले ही हमारे होता है ना जो फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जो उसके बाद की लाइफ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और वो हमारे दोस्त जो है वो बनी साहब हैं, उन्होंने समझाया दोनों बच्चों को बिठा के उन्होंने समझाया कि ये इस तरह से करो, फोकस करो, और ये फर्स्ट आना सेकंड आना ये रेस नहीं है, रेस ये कि इसके बाद क्या करना है असल। और वाकई वो देखें आप जो आईटी और ये सारी चीजें हो रही हैं इसमें आप अब तो फोन पे पता लग जाता है, अब तो डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं ना, अब तो ऑपरेशन भी कर रहे हैं यूट्यूब लगा के। अच्छे का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा खौफनाक दौर आ गया। अच्छा आपने कहा कि वो जरा कम बोलती है, किस पे गई है वो? आप भी घर में कम बोलती है? ये कम बोलते हैं बड़ा मजेदार इनका शो था, तो वो एक जो ज्यादा बोलने वाला बंदा ना वो बहुत ज्यादा मजे का शो कर सकता है, तो मैं एकदम होगी कि हैं ये कम बोलते हैं। अच्छा कौन सी अपनी ऐसी आदत आप देखती है जो कि जन्नत में आई है? बहुत सारी चीजें हैं, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, गाती है तो गाते तो ये भी हैं, और दूसरा वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है।
हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है. मतलब कोई बिल्ली का बच्चा भी कोने में होगा ना तो वो टेंशन में ही रहेगी कि ये इस बिल्ली के बच्चे को किसी तरह मैं उसकी जगह तक पहुंचा दूं. वो आदत से जो लिया से अभी जैसे हम लोग को एक बहुत बड़ी ड्रिंक थी उसका एड हम लोग को जी मैं देख रही थी. हाँ ठीक है. तो चारों को तो टर्की जाना था दो दिन के लिए और अच्छे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे. तो और आपके करियर के लिए भी अच्छी होती है चीज़, करियर के लिए भी बड़ा ब्रांड. तो मैंने इन लोगों को बताया तो कहने लगी कि नहीं 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 हम तो बायकॉट कर रहे हैं उसका. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ सुने वो हमारे बच्चे तो बायकॉट कर रहे हैं तो अब क्या करें. उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जो है आप दोनों आ जाए, बच्चे हम किसी और को बना देंगे. मैंने कहा हाँ चले ठीक है, किस डेट पर जाना है ये मुझे डेट वेट बता दें. ये फ़ोन रखा तो खड़े आप क्यों करेंगे. मैंने कहा क्यों, हम तो तुम लोग बायकॉट कर रहे हैं, हम दोनों तो कर सकते हैं. कहने लगी मामा के वास्ते जो कर सकते हैं वो तो करें आप लोग, इतना सा तो हिस्सा डालें अपना आप लोग कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे पास इतनी पावर है, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हम वहाँ जाके लड़ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते. लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें, क्योंकि ये वो टाइम हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं ना, लोग पैसों के लिए कर रहे हैं. ओके कर दिया ठीक है, हमने बच्चे हम चले गए शूट पे. अब मैसेज पे मैसेज जन्नत के कोई मोरल नहीं आप लोगों का. हाँ. क्या आप पैसे के लिए ये ऐड कर देंगे क्या, इतने मैसेजेस इतने मैसेजेस. बच्चों को पता नहीं कि ये ऐड छोड़ने का चेवड़े का ऐड भी नहीं मिलेगा.